ये जो निपुण भारत के तहत पूरे मध्य प्रदेश में मेलों का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो कोरोना काल के 2 साल में बच्चे पिछड़ गए थे, उन सभी बच्चों को पूरी प्रोफिशिएंसी देना, पूरे उनके जो कमियां रह गई थी उन सभी कमियों को पूरे करने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है। और निपुण आपकी जो बच्चे कमजोर रह गए, उनमें कोई कमियां रह गई है, उनके लिए पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें 2025-26 तक भारत सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे पिछड़े हैं उन सभी को पूरी तरह से निपुण किया जाए। और हिमाचल सरकार की तरफ से पूरे प्रयास है कि 2024 तक जो बच्चे 2-2 साल तक स्कूल नहीं आ पाए आए थे, उन सभी बच्चों को, स्कूलों में जो कमियां रह गई थी उन सभी बच्चों को पूरी तैयारी करवा के उसमें निपुण बनाया जाए। यही इस निपुण मेलों का, निपुण मेले के आयोजन का मेन मकसद था। और इसमें सभी सेंटर लेवल पर, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें सेंटर लेवल पर और माध्यमिक स्कूलों में भी इनका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सेंट्रल लेवल पर सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को उनके मॉडल के द्वारा, उनके जो लर्निंग एड्स के द्वारा उनमें जो कमियां रह गई है उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम सुल्तानपुर के प्राइमरी स्कूल में आए थे, उसमें 6 प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों ने भाग लिया था। सभी अध्यापक थे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। उस मेले में हमने सभी उनके जो TLM या जो मॉडल उन्होंने बनाए थे उनको हमने पूरा अवलोकन किया। और उसमें पाया कि बहुत सुंदर मॉडल अध्यापकों ने, बच्चों ने, उसकी एक्सप्लेनेशन अध्यापकों और बच्चों ने बहुत सुंदरता से दी। इसके लिए मैं सभी अध्यापकों का दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की। इसके अलावा BRC लोगों ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के जो मुख्य शिक्षक है और BO साहब है और मेरे साथ संजीव जी है और BRC है, इन सभी ने इस मेले को, आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और जिन बच्चों ने और अध्यापकों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए यहां, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और इसमें जो मैंने इनके ध्यान में कमियां लाई हैं, जो कमियां रह गई हैं, और मुझे आशा है आने वाले दिनों में ये सभी कमियां पूरी करेंगे। मैं एक बार पुनः यहाँ के केंद्र शिक्षक BO साहब, BRC संजीव जी का और यहाँ के सभी अध्यापक और पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद। ये जो निपुण भारत के तहत पूरे मध्य प्रदेश में मेलों का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो कोरोना काल के 2 साल में बच्चे पिछड़ गए थे उन सभी बच्चों को पूरी प्रोफिशिएंसी देना, पूरे उनके जो कमियां रह गई थी उन सभी कमियों को पूरे करने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है। और निपुण आपकी जो बच्चे कमजोर रह गए, उनमें कोई कमियां रह गई है, उनके लिए पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें 2025-26 तक भारत सरकार का प्रयास है कि जो बच्चे पिछड़े हैं उन सभी को पूरी तरह से निपुण किया जाए। और हिमाचल सरकार की तरफ से पूरे प्रयास है कि 2024 तक जो बच्चे 2-2 साल तक स्कूल नहीं आए थे उन सभी बच्चों को, स्कूलों में जो कमियां रह गई थी उन सभी बच्चों को पूरी तैयारी करवा के उसमें निपुण बनाया जाए। यही इस निपुण मेलों का, निपुण मेले के आयोजन का मेन मकसद था। और इसमें सभी सेंटर लेवल पर, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें सेंटर लेवल पर और माध्यमिक स्कूलों में भी इनका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सेंटर लेवल पर सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को उनके मॉडल के द्वारा, उनके जो लर्निंग एड्स के द्वारा उनमें जो कमियां रह गई है उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम सुल्तानपुर के प्राइमरी स्कूल में आए थे, उसमें 6 प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों ने भाग लिया था। सभी अध्यापक थे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए थे। उस मेले में हमने सभी उनके जो TLM या जो मॉडल उन्होंने बनाए थे उनको हमने पूरा अवलोकन किया। और उसमें पाया कि बहुत सुंदर मॉडल अध्यापकों ने, बच्चों ने, उसकी एक्सप्लेनेशन अध्यापकों और बच्चों ने बहुत सुंदरता से दी। इसके लिए मैं सभी अध्यापकों का दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की। इसके अलावा BRC लोगों ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के जो मुख्य शिक्षक है और BO साहब है और मेरे साथ संजीव जी है और BRC है,
इन सभी ने इस मेले को, आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और जिन बच्चों ने और अध्यापकों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए यहाँ, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और इसमें जो मैंने इनके ध्यान में कमियां लाई हैं, जो कमियां रह गई हैं, और मुझे आशा है आने वाले दिनों में ये सभी कमियां पूरी करेंगे। मैं एक बार पुनः यहाँ के केंद्रीय शिक्षक बीओ साहब, बीआरसी संजीव जी का, और यहाँ के सभी अध्यापक और पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद।